तो फ्रेंड आज हम इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ये भाई जो है हमसे मिले हैं ओमान में, और ये किस तरह से ओमान आए हुए हैं इंडिया से, इंडिया के रहने वाले हैं। और काफ़ी लोग कमेंट करते हैं, बार बार पूछते हैं कि भाई कैसे जाएंगे हम ओमान में, कैसे आएंगे। बहुत सारे भाई तो हमसे बोलते हैं कि भाई पैसा ले लीजिए, आप हमें वीज़ा दे दीजिए और हमें बुला लीजिए। तो दोस्तों हमें पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से जाइए ऑफिस में और आप जाकर वहाँ से टेस्ट मार के ओमान में आइए, ठीक है ना। और ये भाई से हम पूछेंगे सभी चीज़ों के बारे में, और ये भाई बताएंगे ये किस तरह से आए थे, कितने पैसे भर के आए थे, और ओमान में इनको कैसा लगता, सभी चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए भाई, सबसे पहले भाई आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, हमारे जितने भी दर्शक है कुछ बोलिए इनको। ओके, यहाँ कैसे पहुँचा, ओमान में कैसे पहुँचा वो उसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दूँगा। तो इंडिया में बुधवार और सैटरडे को अब्रॉड टाइम्स आता जी। आप इंडिया में मतलब कहाँ से काम कर रहे थे? मुंबई से। तो सबसे पहले आप अपना एड्रेस दीजिए कि आप इंडिया में कहाँ के रहने वाले हैं, हमारे दर्शकों ताकि वो लोग जान सके आप कहाँ के रहने वाले हैं। हाँ, तो इंडिया में मुंबई में मैं नॉर्मली बेलापुर साइड में रहता हूँ जी। जी हाँ, और वहाँ से जहाँ जो मुंबई में काम करते वक्त मैं वहाँ से अप एंड डाउन कर देता हूँ जी। जी लोकल काम रहेगा तो जी। जी हाँ, तो बुधवार और सैटरडे शनिवार को अब्रॉड टाइम्स निकलता है जी। जी हाँ, तो 10 रुपए का वो मिलता है जी। तो उसमें मैं डेली चेक करता था कहाँ कहीं जी। वो न्यूज में मतलब न्यूज में पेपर में देख रहे थे कि मतलब वांट के बारे में, तो वांट आप देख लिए तो फिर क्या हुआ? तो वांट देखा कि 13-14 दो तारीख का वांट है जी। जी हाँ, और वो रबाले में था। तो रबाले में कौन सा ऑफिस में आप गए थे इंटरव्यू देने के लिए? वहाँ बहुत सा, कौन सा ऑफिस था रबाले में? प्रेरणा ऑफिस था रबाले में, ठीक है। मैं भी जानता हूँ उस ऑफिस के बारे में, काफी अच्छा ऑफिस है, ठीक है। बताइए वहाँ पे गए तो क्या हुआ? तो वहाँ मैं गया तो वहाँ जो रिक्रूटर थे जी। जी हाँ, तो उन्होंने पहले बोला कि ओमान में एलएनटी के लिए ऑफर चल रहा है। जी, अच्छा ऑफर चल रहा है। तो मैं बोला ओके चलो देखते हैं। तो मैं बोला इसके लिए क्या करना है, तो उन्होंने मुझे फॉर्म दे दिया जी। जी फॉर्म फिलअप किया जी और उनको दे दिया, तो उसके साथ पासपोर्ट भी दे दिया। तो वो बोले आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा जी, जैसे आपका नंबर आएगा तो आपको इंटरव्यू के लिए अंदर बुलाया जाएगा और सवाल जवाब पूछा जाएगा। जैसे मैं अंदर गए तो वहाँ दो रिक्रूटर थे जी। तो वो रिक्रूटर ने मेरा सीवीज देखा जी। जी कुछ क्वेश्चन पूछे जी। जी काम के बारे में, ट्रेड के बारे काम में, काम के रिलेटेड पूछे होंगे, काम के रिलेटेड ही। पासपोर्ट ओरिजिनल जमा करना पड़ता था ना वहाँ पे? हाँ, पासपोर्ट तो ले लिया, पासपोर्ट ने उन्होंने चेक किया कि ये बंदा कहाँ कहाँ काम करके आया जी। जी हाँ, काम करने के बाद उन्होंने देखा कि इसका काम कहाँ कौन कौन से फील्ड में काम किया जी है। जी हाँ, तो वो देख के वो बोल उनको लगा कि ये बंदा शायद नॉलेजेबल है जी, और जी, काम हम जो जिस चीज के लिए हम चुन रहे हैं जी, उसके अलावा और भी एक्स्ट्रा काम जी के लिए ही। तो थोड़ा शॉर्टकट में बताइए कि वीडियो थोड़ा कम समय में वीडियो बन जाए, नहीं तो काफी लंबा हो जाएगा, तो जितने भी हमारे भाई वीडियो देख रहे हैं छोड़ के वीडियो भाग जाएंगे, ठीक है। इसलिए थोड़ा शॉर्टकट में बताइए, सभी लोग जान पाए, और वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, भाई सब चीज़ के बारे में बताएंगे। और हम लोग अभी लाइव ओमान में हैं, ओमान में ये वीडियो शूट कर रहे हैं, एक मेरा फ्रेंड है वो वीडियो बना रहा है, हम इनसे सवाल कुछ क्वेश्चन करें। तो भाई फटाफट आप बता दीजिए कि ऑफिस में गए थे तो कैसे क्या हुआ? ओके, जैसा मैंने मेरा सीवी और पासपोर्ट दे दिया जी, जी, उन्होंने क्वेश्चन पूछे जी, क्वेश्चन देख के उन्होंने बोला आपको एक ट्रायल लेना पड़ेगा जी, जी, तो वो ट्रायल के लिए वर्कशॉप में कौन से काम से गए थे आप वहाँ पे? एज ए वेल्डर, एज ए वेल्डर, वेल्डर के लिए। तो जैसे वो मुझे टेस्ट पीस मारने के लिए बोला, मैं मार दिया जी। जी इंटरव्यू में आके चेक किया जी, वो सेटिस्फाई हो गया जी। हाँ जी हाँ, तो बाद में बोले ओके हम आप ही आपका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है। क्या सवाल क्या पूछा था, मतलब जब सिलेक्शन हुआ था तो इंटरव्यू में क्या आपसे पूछा गया था? नॉर्मली कहाँ कहाँ काम किया है जी, क्योंकि बहुत सारा भाई लोग का कमेंट आता है कि ऑफिस में जाते हैं इंटरव्यू माने के, तो वहाँ पे क्वेश्चन किया था, वेल्डर थे आप, वेल्डर से गए थे तो वेल्डर के रिलेटेड कुछ पूछा गया था वहाँ? वेल्डर रिलेटेड जैसा वेल्डिंग कहाँ कहाँ कौन से कौन से एरियाज में किया, जैसा गैस पाइपलाइन होता है, रिफाइनरी, सर्टिफिकेट लेकर पहुंचे होंगे वहाँ पे, रिफाइनरी, न्यूक्लियर जी। हाँ जी, ऐसे बहुत सा फील्ड है, वो कौन कौन सा फील्ड है, क्योंकि अभी ये कि आपका वहाँ पे टेस्ट भी लिया गया था वहाँ पे वेल्डिंग का, तो टेस्ट भी लिया था जी। हाँ जी, तो उनको क्योंकि ऑयल एंड गैस, तो ऑयल एंड गैस में थोड़ा रिस्क ज्यादा रहता है, इसके लिए वो टेस्ट लेना जरूरी रहता है जी। ठीक है, आपका वहाँ पे इंटरव्यू हो गया, मतलब उसके बाद से क्या हुआ?
उसके बाद तो मुझे कितने दिन बाद मेडिकल कराया गया आपका? तो दूसरे दिन ही मुझे दूसरे दिन मेडिकल हो गया ना। कितना पैसा लगा था मेडिकल कराने में? 5000 ले लिया। 5000 रुपया लगा था मेडिकल कराने में। ओमान के लिए गम का मेडिकल होता है ना, गम का मेडिकल में 5000 रुपया लगा था। लेकिन दोस्तों अभी तो 6000 लग रहा है। अभी तो टाइम मतलब बदल गया, जैसे जैसे चेंज होता है, ज्यादा दिन होता है तो उसके हिसाब से पैसा भी बढ़ जाते हैं। तो अभी महंगाई आ गया और अभी 6000 रुपया लग रहा है। ठीक है, तो आपका वीजा कितने दिनों में आया था? वीजा वो बोले कि 45 डेज का ड्यूरेशन लगता है। जी हाँ जी हाँ, 45 वो लोग बोले थे ऑफिस वाले। तो कितने दिन में आ गया? तो 45 डेज के बीच में ही आ गया वीजा। मतलब 45 डेज के बीच में ही आ गया। हाँ, वीजा आने के बाद क्या हुआ, मतलब पैसे कब जमा करवाए लोग? जैसा वीजा आया तो उन्होंने कॉल किया। जी हाँ, कॉल करके बोले कि तुम्हारा वीजा आ चुका है। जी हाँ जी, आप यहाँ 40000 भरना है। जी हाँ जी हाँ, 40000 भर के आपको और टिकट और वीजा जी मिलेगा जी। और उसके दूसरे दिन आप प्रस्थान कर सकते हो। हाँ, आपको मतलब वीजा टिकट मतलब जितना भी डॉक्यूमेंट सब मिल जाएगा। सब मिल जाएगा जी हाँ। तो उसके बाद आप पैसा जमा किया वहाँ पे? हाँ, तो मैंने पैसा जमा किया जी। उन्होंने बोले कि दूसरे दिन आ जाओ। जी, दूसरे दिन रात का फ्लाइट था। जी हाँ जी, तो टिकट वीजा मस्कट का था ना? कहाँ से फ्लाइट था? मतलब मुंबई से मस्कट। हाँ, तो फ्लाइट रात का था जी। तो हमारी जर्नी शुरू हो गई और हम मस्कट में रात को 2 बजे से पहुंचे। कितना वेल्डर में सैलरी कितना लगाया था आपको वहाँ पे इंडिया में? करना ऑफिस में 140 लगाया था, 90 जी प्लस वॉशिंग का 10 रुपीज और 39 अलाउंस लगाया था। जी हाँ दोस्तों, मैंने जैसे आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि ओमान में अगर आ रहे हैं तो वेल्डर का 90 या 110 120 लगभग रहता है, कंपनी पे डिपेंड रहता है। तो ये बात सही है, भाई का भी 90 लगा हुआ प्लस जो साइड अलाउंस ये सब होता है और जो वॉशिंग अलाउंस का, तो ये सब प्लस में रहता है। बाकी और भी जो सवाल है इनसे हम पूछ लेते हैं। मतलब कि आप जब वहाँ से मस्कट एयरपोर्ट पे आ गए, उसके बाद से क्या हुआ आपको यहाँ पे? जो ओमान की कंपनी आपको रिसीव करने के लिए पहुंची थी या नहीं? हाँ, एयरपोर्ट पे कंपनी की तरफ से कंपनी की गाड़ी आई थी। जी जी, तो वहाँ से हम कंपनी से कैंप तक उन्होंने लाके जी छोड़ दिया। आप अकेला थे कि और भी बंदे साथ? मेरे साथ और 2 बंदे थे। जी हाँ, दो बंदे थे साथ में इनके। तो कंपनी यहाँ से गाड़ी गई थी और इनको लेकर कंपनी आई यहाँ पे। तो जैसे हम कैंप में आए तो कैंप बॉस को हम रिपोर्टिंग किया। जी हाँ जी, कैंप बॉस ने हमारे पासपोर्ट लेके हमको रूम दिखाया। यहाँ पे रूम आपको दिया गया और उसके बाद से आपको जो थाली वगैरह ये सब मिला कि नहीं? थाली मग और बकेट सब प्रोवाइड, और बेड वगैरह सब मिला होगा ना? बेड कवर वगैरह। जी हाँ, उसके बाद से क्या आपको ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले यहाँ पे क्या क्या मतलब किया गया? तो कैंप बॉस बोले कि आपको जल्द ही यानी दूसरे दिन हम अरेंजमेंट करेंगे सेफ्टी ट्रेनिंग कोर्स के लिए। मतलब ड्यूटी लगने से पहले यहाँ पे सेफ्टी कराया गया था आपका ना? सेफ्टी इंडक्शन होने वाला था, सेफ्टी इंडक्शन। हाँ, तो दूसरे दिन जैसे 1 बजे हमारा सेफ्टी इंडक्शन हो गया। जी हाँ जी हाँ, और होने के बाद हम काम के लिए एलिजिबल हो गए। जी हाँ जी, यार्ड में काम करने। जी जी, तो जैसे हम यार्ड में गए दूसरे दिन तो वहाँ हमको पीपी वगैरह जो काम जी, मतलब आपका शू है, कवरऑल है, ये सब आपको मिल गया ना? मिल गया जी। और उसी दिन से हम हमारा ड्यूटी करना चालू कर देना। मतलब यहाँ पे आपको कितना दिन हो गया लगभग रहते हुए? अभी लगभग अभी 3 साल हो गए। तो दोस्तों इनका ओमान में लगभग 3 साल हो गया। और दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम, आप थोड़ा सा कम्प्रोमाइज कर लीजिए क्योंकि लाइट काफी खराब है और यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं। फिर भी हमारे जो फ्रेंड है, हमारे दोस्त समझ लीजिए, ये मिले हैं तो इनसे हम कुछ सवाले पूछे। जिस तरह से भाई आए हुए हैं इंडिया से, ओमान आए हुए हैं, आप भी इस तरह से आराम से आ सकते हैं। किसी से कोई भी हेल्प की जरूरत नहीं है, आप खुद जाकर इंटरव्यू मार के आप ओमान में आ सकते हैं। तो भाई आप यहाँ पे मतलब कैसे महसूस कर रहे हैं? आपको अच्छा लग रहा है? ओमान देश कैसा है जॉब करने के लिए? ओमान सबसे बेहतर है, बेहतर है ना करने के लिए? हाँ, कोई फ्रीडम वगैरह है जी? अभी यहाँ पे रहेंगे कि आपको जाने का दिल है इंडिया में दूसरे कंपनी में या कोई दूसरा गल्फ देश में? अभी यहाँ ओमान में रहने का मतलब अच्छा है फिर रहने के लिए? फिलहाल तो अभी कुछ इश्यूज नहीं है जी। हाँ जी, काम वगैरह है जी, बहुत जी, तो यहाँ हम सब कुछ है जी। हाँ जी, मतलब ठीक है, लगभग हम लोग सब चीजों के बारे में जान लिया यहाँ पे। तो दोस्तों आपसे हम यही कहना चाहेंगे, आप कभी भी आ रहे हैं ना ओमान में तो आप ऑफिस में जाइए, और आपको ऑफिस के बारे में पता नहीं है तो मैं ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बना दिया हूँ। आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखेंगे, एक वीडियो बनाया हूँ उसमें ऑफिस का नंबर, ऑफिस का नाम, सबसे बढ़िया बढ़िया ऑफिस, वो भी मुंबई के बारे में, मुंबई ऑफिस के बारे में मैं बनाया हूँ। वीडियो को देख कर आप उस नंबर पर कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं। आप कोई भी ट्रेड से जा रहे हैं तो उनसे बात करके इंटरव्यू होगा, जाकर इंटरव्यू मार कर टेस्ट मार के आ सकते हैं। तो दोस्तों आप मुंबई, सूरत, बड़ोदरा, अनुपटेक ऑफिस है, या आप प्रेरणा में आप जाते हैं तो काफ़ी अच्छा ऑफिस है, वहाँ पे आपका कम पैसा लगेगा। दोस्तों आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि गोपालगंज से, सिवान से काम कराते हैं, बिहार से काम कराते हैं,
तो वहाँ पे बात ये है कि वहाँ पे ज्यादा पैसा लगता है। जैसे कि भाई ये बोले थे कि 40,000 में आए थे, लेकिन आप वही सिवान से या गोपालगंज से या बिहार में कहीं से भी कराते हैं तो आपको 70-80,000 रुपया भरना पड़ता है। तो आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं, और आपको कम पैसे में आना है तो आपको निकलना पड़ेगा मुंबई, तभी आपका जो कम पैसा लगेगा जो ऑफिस चार्ज है, नहीं तो आपको ज्यादा पैसा भरना पड़ेगा। तो दोस्तों आप इस तरह से समझ सकते हैं, कभी भी आ रहे हैं तो इस बात को ध्यान में रखिए। और दोस्तों मैं वीडियो जो यहीं पे समाप्त करता हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो गया। और दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।